हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ भारती। और सुबह के 11:15 हो चुके हैं और हस्बैंड नाश्ता करके चले गए हैं, लेकिन बीच में लाइट चली गई थी। जैसे कि मैं इंडक्शन पे खाना बनाती हूँ तो फिर मैं रह गई थी खाने के बिना, तो अब मुझे बहुत भूख लगी हुई है, तो जल्दी से मैंने खाना बनाना है। तो खाना बनाने से पहले मैं एक चीज़ इन्फॉर्म कर दूँ कि जैसे कि मैंने अपनी जो चैनल है उसका कंटेंट चेंज किया था, टॉपिक चेंज किया था, लेकिन वो यूट्यूब की तरफ से तो हो नहीं पाया, पता नहीं क्यों। तो मैं ये सोच रही हूँ कि छोड़ो इन लोगों को, मतलब कि कुछ समझ नहीं आएगा कि अगर कोई बंदा बोल रहा है सच का, मतलब सच दिखाना चाह रहा है, तो मतलब कि जो झूठे लोगों की ऑडियंस है ना, वो फिर भी उनको मतलब कि बोलने का दे नहीं रही है। और वैसे भी पर्सनली वो दोनों सिस्टर्स हैं और मुझे ज़्यादा भी उनमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन इस चीज़ का मतलब ये नहीं है कि मैं गलत हूँ या फिर उसकी सिस्टर गलत है, और गलत कोई भी नहीं होता, सिचुएशन होती है, लेकिन सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है वो फिर आपके ऊपर होता है। तो सब लोग जानते ही हैं, वीडियोस देख के सबको पता चल गया होगा कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन कुछ लोग आंखों पे पट्टी बांध के रखते हैं या फिर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं अपने किसी भी कह सकते हो किसी चाहने वाले को, तो वो चाहने वाला चाहे कुछ सही कर रहा हो या गलत, फिर उसको दोनों चीज़ों में सपोर्ट करते हैं। तो मैं आज से ये चीज़ें छोड़ रही हूँ, क्योंकि मैं जितना इस चीज़ को खींचूंगी छींटे मेरे ऊपर भी पड़ेंगे। तो नीलम से मेरा यही कहना है कि आप इस चीज़ को स्टॉप कर दो। अगर आप अपनी फैमिली में शांति चाहते हो, अपने दिमाग में शांति चाहते हो ना, तो इस चीज़ को यहीं पर रख दो। अगर आप सही हो तो आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तो आपकी जो सिस्टर कर रही है उसको करने दो, उसके हाल पे उसको छोड़ दो। तो मैं भी आज के बाद उसको नहीं देखूंगी, क्योंकि उसकी वीडियोस देख के ना मन में एक अजीब सी डिप्रेशन सी आ जाती है कि काम करने को मन ही नहीं करता है। तो मैं तो आज से उसको मतलब कि क्या कहते हैं उसको डोंट रिकमेंड में डाल दूंगी। डालने पर भी उसकी वीडियोस पता नहीं ऑटोमेटिकली आती रहती हैं। तो कई बार बंदा होता है फ्री बैठा होता है कि चलो टाइम पास के लिए देख लेते हैं, है ना, तो इस वजह से मैं तो छोड़ रही हूँ अपना। ठीक है भाई, जिन लोगों को लगता है डेली घर का काम झाड़ू पोछा बर्तन, जैसा उसने भी कहा था सिस्टर, उसकी नीलम की सिस्टर ने, झाड़ू पोछा दिखाती हैं किचन, तो मैडम जी इसी के बेस पे घर बनते हैं, इसी के बेस पे बरकत आती है घरों में। आप अगर बोल रही हो ना कि सिर्फ झाड़ू पोछा मत दिखाओ ये वो, हाँ बाहर जाओ घूमो फिरो, अच्छी अच्छी जगह दिखाओ, अच्छे अच्छे खाने बना के दिखाओ, जैसे कि आपकी सिस्टर कितनी अच्छी अच्छी रेसिपीज शेयर करती हैं, मुझे अच्छी लगती हैं। तो जो हाउसवाइफ होती है उसका जो मेन जो उसके हाथों का कर्म होता है वो यही होता है घर का काम करना। हाँ, अगर वो प्रोफेशनल है तो मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर वो प्रोफेशनल है तो घर का काम भी करे, मैं थोपूंगी नहीं। तो वो उसकी अपनी खुशी होगी, उसकी अपनी टाइमिंग होगी, उसके काम से वो कितना मैच करता है कितना नहीं, है ना, क्योंकि वो बाहर जाके भी घर से काम कर रही है या प्रोफेशनली वो किसी काम में है तो उसको भी टाइम देना है। तो ये अपने ऊपर डिपेंड होता है, तो मैं किसी को कहूँगी नहीं। तो जिसको जैसा करना है कर सकता है, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, लेकिन यहाँ पे जब आप अपनी लाइफ को सोशल कर देते हो तो वो वहाँ पर आपकी चीज़ें पर्सनल नहीं रहती हैं। तो जिसको जो सही लगता है वो कमेंट्री कर सकता है, आप किसी को रोक नहीं सकते, किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते। तो बस अभी मैं लगी हूँ अपने लिए नाश्ता बनाने, खाएंगे फिर उसके बाद घर का और काम करेंगे। भाई हमारी किस्मत में तो यही काम है, और हम खुशकिस्मत हैं कि हमें ये काम करने का मौका मिला है, अपने घर को संभालने का मौका मिला है, और हम ऐसे ही संभालते रहें। यही आज गुरु नानक देव जी से प्रार्थना करते हैं कि हम ऐसे ही अपने घरों को संभालते रहें, घरों को जोड़ के रखें, प्रेम प्यार से रहें, किसी के ऊपर गलत या कुछ भी गलत आरोप ना लगाएं, किसी के साथ गलत ना कर पाएं। थैंक यू सो मच।